हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम रैडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डे बुक को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। रैडिक्स में डे बुक को मॉडिफाई करने के लिए हम यहाँ पे मास्टर्स डे बुक्स पे क्लिक करेंगे। डे बुक का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नेम में F4 की प्रेस करके जिस डे बुक को मॉडिफाई करना है उसे लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे सेल्स इनवॉइस GST की डे बुक को सिलेक्ट कर रहे हैं और एंटर कर देंगे। हम आ जाएंगे डिटेल्स के सेक्शन में। यहाँ से आप डिटेल्स को ऐड, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इन्वेंट्री डिटेल्स में ट्रांसपोर्ट और पेमेंट डिटेल्स चाहिए तो हम यहाँ पे दोनों ऑप्शंस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट, इसी तरह अगर GST डिटेल्स के सेक्शन में इनवॉइस टाइप और इनवॉइस सब टाइप को चेंज करना हो तो कर सकते हैं। इस सेक्शन में आप ये फील्ड GST यूनिक आईडी को चेंज नहीं कर सकते। अगर इस डे बुक में कोई ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करता होगा तो सभी चेंजेस हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। आपकी डे बुक मॉडिफाई हो जाएगी। इस तरह से आप रैडिक्स में किसी भी डे बुक को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।